आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो प्रिपरेशन रही थी पूरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कॉगजेट के लिए, तो उस टाइम पे यूजुअली क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके का फोकस था, और जिस तरीके की प्रिपरेशन के लिए कंटेंट आप मतलब एक्सपोज हो रहे थे, जिस तरीके के कंटेंट से, वो काफी शायद अनयूजुअल रहा होगा आपके लिए कि मैथ्स का कंटेंट है या ऐसा कंटेंट है जो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं था या साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं था। तो ऐसे केस में किस तरीके से एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस आपने रखी और फोकस बनाए रखा? आई थिंक ये चीज जो है अमित, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज तो जो मैं आई मीन पिछले सेशन में भी मैं बोला ही था दैट आपको ये पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये होता है कि अच्छा हमने अगर सोशियोलॉजी में किया है, साइकोलॉजी में किया है, फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है, तो हमने वही आगे पढ़ना है। यहाँ वो चीज नहीं रहेगी, यहाँ आपको पहले से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी मैं पढ़ने जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मेरे लिए बहुत सारा होगा और अलग अलग होगा, और मुझे हर एक, जैसे इट्स नॉट वन केक ऑफ द सेम फ्लेवर, इट्स लाइक जितने भी स्लाइसेस हैं उस केक में वो सब अलग अलग फ्लेवर्स के, तो अच्छा, आपको सब बिल्कुल खाने हैं, सब टेस्ट करना है। सो जब आप वो चीज मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है प्रिपरेशन करना भी, बिकॉज आप मेरे लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरे लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स रिलेटिवली बहुत हार्ड है पढ़ने, तो मैंने बुक्स उठाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं वीडियोस देखी मुझे खास समझ में नहीं आया, तो मेरे लिए वो एक रिलेटिवली लंबी जर्नी थी, तो मुझे वक्त लगा, मैंने फिर उसको धीरे धीरे मैं ब्रेक डाउन करता गया, मैं और छोटे पार्ट्स में लाता गया, इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ कंप्लीट टॉपिक मैं कॉन्सेप्ट पे आया, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आया तो मैं इस कॉन्सेप्ट के प्री रेक्विजिट्स पे आया कि वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे क्या किया, वो भी नहीं आता तो मैं उसके प्री रेक्विजिट पे, बिल्कुल, जैसे साइकोलॉजी में होता है ना सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, यहाँ हाँ पे सिस्टमैटिक डीकंस्ट्रक्शन मैंने किया। एंड एनीवेज कोई भी अगर फिलोसफी पढ़ता है तो डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैंने वही चीज यहाँ अप्लाई कर दी, मैंने कहा चलो ठीक है समझ तो अपने को आ नहीं रहा है तो फिलहाल रूट्स में घुस जाओ, गो इन द बेसिक्स ऑफ व्हाट मेक्स अ कॉन्सेप्ट, एंड बिल्कुल दैट एनेबल्ड मी टू इवेंचुअली स्लोली ग्रास्प द आइडिया दैट वॉज मेकिंग अ कॉन्सेप्ट टिक, बी इट स्टेटिस्टिक्स बी इट मैथ्स। अभी मैं मैथ्स तो मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज बियॉन्ड मी, कैलकुलस मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पार्ट समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता उतना, बट आई मीन इट्स स्टिल अ स्ट्रगल, वो करना तो है नहीं है। बिल्कुल, तो यही चीज सभी चीजों पर एप्लीकेबल थी। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा कि एक-एक कदम लेते लेते मतलब पूरा रास्ता कवर हो गया, पता भी नहीं चला। हाँ डेफिनेटली, लाइक ये समझना बहुत जरूरी है, लाइक मेरे मेरे फादर ये चीज हमेशा बोलते हैं कि अगर हर जगह कुआं खोदोगे और खाली 10 मीटर खोदोगे तो कुआं कभी नहीं मिलेगा, तो कुआं हाँ खोदना शुरू बिल्कुल, करना है तो एक जगह शुरू करो और गहराई तक जाओ पहले, गहराई में तभी जाओ। पानी बिल्कुल फूटेगा तभी ना। तो बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट स्पेशली आई थिंक हु इज विलिंग टू डू रिसर्च या एकेडमिक्स में, उसको अगर अपना फुटिंग करना है, फाउंडेशन बनाना है, तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो उसके लिए काम करेगी। अच्छा दैट सेड, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करेगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल ये जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबके लिए काम करे। सो बिल्कुल, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ अगर कोई इस फील्ड में बिल्कुल एकदम फोकस्ड है, नहीं मुझे यही करना है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम आउट, कि अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा या स्ट्रैटेजी डिस्कस करके उन्हें बता सकता हूँ, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए ये काम कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल प्रिपरेशन गोज, मुझे नहीं लगता कि इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट एनी नॉर्मल पर्सन गोज थ्रू। एक IIT का बच्चा भी वही जनरल स्ट्रैटेजीज लेगा जो प्रोबेबली एक सिविल सर्वेंट लेगा, जो प्रोबेबली कोई दूसरा बच्चा लेगा, तो फंडामेंटल्स ऑफ बिल्कुल प्रिपरेशन वही है। किसी कॉन्सेप्ट को टैकल कैसे करना है वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, खुद का वेंटेज पॉइंट है, और सब सब्जेक्ट्स के अपने क्या चैलेंजेस हैं वो मैं डेफिनेटली ऑन अ स्टैंडर्ड व्यू में बता सकता हूँ, बट कैसे बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए आई थिंक अमित, ये दिस इज समथिंग दैट पीपल देमसेल्व्स हैव टू फिगर इट आउट, बिकॉज पीपल टोल्ड मी बिल्कुल ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थिंग्स कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इट डिडंट वर्क, आई हैव टू फाइनली बिल्कुल सेटल डाउन ऑन समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर मी, बस वो मेरे ताले की चाबी मुझे खुद ही ढूंढनी पड़ी, किसी ने दी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में ना, आज आप कह रहे थे तो आज मैं
ऐसी मेरे ख्याल से व्हाट्सएप के स्टेटसेस में थोड़ा सा रैंडमली देख रहा था। काफी बार कुछ समय नहीं होता तो पता नहीं चलता, बस स्टेटसेस देखते रहते हैं आप। तो एक कालियुंग की कोट थी वहां पे कि इफ द पाथ बिफोर यू इज क्लियर देन यू आर ऑन समवन एल्सेस पाथ। और मैंने पढ़ी और मेरे को बहुत स्ट्राइक करी, क्योंकि मैं मेरे को हमेशा ये चीज लगता रहता है। मैंने कहा यार कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और काफी बार जब एग्जाम के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और खासकर ऐसे एग्जाम के लिए जो आपके फील्ड से रिलेटेड ना हो, या फिर उसके कॉन्सेप्ट से वो चीजें जो आपने पिछले 3-5 साल में पढ़ी थी उससे दूर जाते हुए हैं, या 5 साल पहले जो आप छोड़ ही आए थे ये सोच के कि कभी वापस नहीं जाना उस तरफ, और उस तरफ वापस जाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है और रास्ता काफी ब्लर दिख सकता है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी पार्ट है हम सभी के लिए, कि जैसा जो एक सुंदर विचार हर्ष के पिताजी से हमारे पास आया है कि आप अलग अलग गड्ढे मत खोदिए छोटे छोटे कुआं, अगर आपको पानी सही में चाहिए आप बस लगे रहिए और तब तक उसको खोदते रहिए जब तक पानी फूट ना जाए जमीन से। तो ये जो मेहनत है जो हर्ष ने भी करी, मैं इस बात के लिए तो हर्ष मतलब कोई डिनाय किसी चीज का नहीं है कि आपने बहुत मेहनत करी थी उस टाइम के पीरियड में, और क्लैरिटी भी नहीं थी, बस हाँ ये जरूर था कि एक पैशन था, वो तो मतलब क्लियर था। वो तो मैं अभी भी, मैं मतलब उस टाइम का अगर मैं सोचता हूँ चीजें तो मेरे को याद आता है कि जब भी आप किसी तरीके की बातचीत कर लीजिए तो किसी ना किसी चीज में वो चीज दिख जाएगी कि हाँ भाई जो बंदा है वो पैशन एक्टिवेट करना, वो मैंने कहीं ना कहीं पे आपके थ्रू देखा है। तो आई थिंक वही चीज यहाँ पे सभी को सीखनी भी चाहिए आपसे। इसी सारी की सारी बातचीत में एक बार यहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल से किसी के सवाल तो अभी नहीं आए हैं। आपने एक बार जो पुराने कुछ सवाल तो अगर पढ़े थे उसके रेफरेंस में आपको जवाब देना चाहें। अगर धृति अभी भी साथ में जुड़ी हुई है तो एटलीस्ट धृति को मैं इतना जरूर बता दूं कि आपने पूछा था कि जुड़ी हुई है। कौन से साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आदमी काम कर सकता है आईटी की तरफ। इस पे मैंने थोड़ा सा टच किया था पहले भी कि जो आपका यूआई यूएक्स है उसका बहुत मेजर पार्ट उससे आता है, आपका साइकोलॉजी से, कॉग्निटिव साइंस से। इनफैक्ट मेरे ही डिपार्टमेंट से कितने सारे लोग सीमेंस में गए हैं या और भी जगह गए हैं जो स्पेसिफिकली यूआई यूएक्स पे काम करते हैं। इनफैक्ट समर इंटर्नशिप सीमेंस की होती है तो सीबीसीएस से हायरिंग होती है। तो ये एक बहुत क्रूशल आईटी का पार्ट है जो यूज किया जाता है। बाकी इसके अलावा आईटी में अगर आपको पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में जाना है तो उसमें कभी कभी जो ह्यूमन सेंटर्ड कंप्यूटिंग होती है या कॉग्निटिव कंप्यूटिंग होती है उसमें आपका काम डेफिनेटली होता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपका वो बेस होना चाहिए। लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट आप वहां जाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया हुआ है या आपका बैकग्राउंड उससे रिलेटेड है और आपको सॉलिड फाउंडेशन है कॉन्सेप्ट्स की, तो डेफिनेटली आप एडिशनल कॉग्निटिव साइंसेस पढ़ करके उस पर बिल्ड अपॉन कर सकते हैं जो आपका बैचलर्स है। एंड ये दोनों फील्ड्स का मिक्सचर आप समझ लीजिए कि आप अपने पीएचडी में या किसी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं। सो दोज आर सम अदर फील्ड्स। बिल्कुल। उसके अलावा किसी और का कुछ सवाल है तो एक बार बता दीजिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सेशन के अपने अंत पे हैं। तो धृति आई पूछ गेस रही है आई थिंक। धृति, हाँ धृति, आई वॉन्टेड टू नो वट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई शुड डेवलप इन सीएस सिंस आई डू हैव अ बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स एंड साइकोलॉजी। धृति मैंने इस पर पहले भी टच किया था। यू नीड बेसिक्स ऑफ द बेसिक्स। आपको दो चीज होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। बिकॉज आप कोई भी अप्रोच अगर डेवलप करते हो तो द थिंग इज कि एल्गोरिथम्स का एसेंस ये होता है कि हाउ डू यू अप्रोच अ प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सोल्यूशन। बिकॉज किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, लेकिन वही वाली बात है, हर किसी की देखने का नजरिया अलग होता है तो उसका सोल्यूशन वो अलग तरीके से बनाता है। तो एल्गोरिथम्स आपको एसेंशियली यही बताते हैं कि कोई भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो कि आपके पास बहुत होगी तो आप किस तरीके से उस चीज को सॉर्ट कर सकते हो, उस चीज को क्लियर कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को। तो प्रोग्रामिंग में ये आपको बहुत क्रूशल रहता है। सेम गोज फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स की डेटा किस तरीके से एक्यूमुलेट, सॉर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। आई विल नॉट डेल्व इनटू कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ बिकॉज आई थिंक हम भटक जाएंगे एजेंडा से। बट आइडिया वही है कि एक तो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
नाउ अगर आपने स्पेसिफिकली आईटी में जाना है तो आपको ये देखना है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, बिकॉज आईटी में तो है ही, मतलब सॉफ्टवेयर ही है पूरा। तो अगर आपने जावा बेस्ड करना है, या आपने एचटीएमएल पे जाना है, या आपने पाइथन पे काम करना है, या और 10 10 के 1000 लैंग्वेजेस हैं अपकमिंग लैंग्वेजेस, आपको क्या काम करना है दैट डिपेंड्स। बट अगर आपने पर्टिकुलरली डेटा साइंस में, AI ML में, या कॉग्निटिव साइंसेज में ही रहना है, तो कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं जो दूसरों से ज्यादा यूज करी जाती हैं, एंड पाइथन तो मैं आंख बंद करके रेकमेंड, पाइथन तो सीख लो बस, आई मीन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल या आई थिंक आई विल रैप अप विद दैट, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं चालू हुआ तो फिर मैं बोलता ही चला जाऊंगा, आई डोंट नो। तो नहीं तो अगर धृति को अभी भी कुछ सवाल रहेंगे तो धृति को आपसे कनेक्ट कर देंगे, एंड डेफिनेटली वो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। सो हर्ष, मैं ऑफिशियली कंक्लूड करता हूँ इस वाले सेशन को, एंड विद अ नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया, इतनी सारी बातचीत अरे करी थैंक एंड यू, सारे सवालों के जवाब दिए, और बहुत बेसिक चीजों को आपने टच किया जिसकी वजह से जो एक क्लैरिटी थी फील्ड को लेके वो हो गई है, मतलब मुझे तो हो गई है। अब कोई सवाल पूछेगा ना तो मैं कुछ लोग अब आपके ही चुराऊंगा, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उतनी क्लैरिटी तो जरूर आपने दे दी है। वो जरूरी भी था, एंड यू वेलकम कृति, एंड प्लीज सर मत बोलो यार, आई पता नहीं यार, हम उम्र हो ना हो यार, ये तो सर बना दिया यार इसने। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो रोकने में ना बहुत संघर्ष लग जाएगा। हाँ यार, आई मीन सीरियसली पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी दैट एंड आई एम लाइक प्लीज डोंट, आई हैव अ नेम इज दैट। मेरे को बहुत ऑकवर्ड फील होता है जब लोग सर बोलते हैं तो, एंड ये चीज आई थिंक मेरे को कॉर्पोरेट से मिली है, बट एनीवे गिवन आई थिंक ये तो सर से दिक्कत हो रही है। मैं अभी जैसे घर आया हूँ ना, तो अब 7 8 साल में तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते नहीं है, तो अब अंकल ही बोलते हैं और नमस्ते करते हैं। मैंने कहा यार, बाबा मैं बाहर निकलना बंद कर दिया मैंने इस चक्कर में। सो आई अंडरस्टैंड। हर्ष, थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे से, इतने क्लियरली और इतने सिंपल तरीके से आपने सारी की सारी चीजें हमें समझाई, और ये मेरे को ही कहने की जरूरत नहीं है, पर जो फीडबैक आपने देखा और जो फीडबैक आपने महसूस करा पूरे सेशन के दौरान में, वो मैं जानता हूं वो चीज आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और नेसेसरी सेशन था हमारे लिए। आई एम तो थैंक यू हैप्पी सो दैट आप मच फॉर दिस। एनी टाइम एनी टाइम। बिफोर वी रैप अप कोमल, इफ यू आर स्टिल विद अस, आप अमित को मैसेज कर देना या मुझे मैसेज कर देना, बिकॉज आई थिंक अभी उनको उनका फॉर्मल टाइम खत्म हो गया शायद, सो नहीं, आप सवाल प्रोबेबली लेना चाहे तो प्लीज आप ले सकते हैं, कोमल अभी भी साथ में है। एक्चुअली वो स्पेसिफिकली उन्होंने मिलिट्री साइकोलॉजी का पूछा है, तो अगेन माई माई क्वेश्चन टू यू इज कि दिस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट डू यू वांट टू डू इन मिलिट्री साइकोलॉजी, लाइक व्हाट व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू वांट टू डू। तो अगर आप साथ में हो तो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड दैट, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, या अभी आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो, सो दैट आई कैन आंसर अकॉर्डिंगली। बिल्कुल हाँ कोमल, आप अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो एक बार प्लीज इससे कमेंट के थ्रू आप कर लीजिए, अदरवाइज रैप अप करके आप कभी दोबारा कनेक्ट कर सकती हैं, और अपने सवालों के जितने भी जवाब है वो हमारे थ्रू या फिर डायरेक्ट हर्ष को इंस्टाग्राम के थ्रू आप DM कर सकती हैं। आई होप कि रैप अप कर लेते हैं एंड कोमल आपके साथ में फिर कनेक्ट कर जाएगी। अच्छा अभी वो क्लियर नहीं है इस चीज के। सो कोमल, हाँ द थिंग इज कि मिलिट्री साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड फील्ड, एंड ज्यादातर वहां पे आपको एज सच रिसर्च ओरिएंटेड टास्क जो है वो सारे के सारे अप्लाइड फॉर्मेट में होते हैं। सो अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले आप अपना मन बनाओ कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है, और बिल्कुल उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे दूँ। मिलिट्री साइकोलॉजी अगर कहीं हमारे, एटलीस्ट हमारे देश में सबसे बेहतरीन रूप से कहीं करी जाती है तो वो DRDO में करी बिल्कुल जाती है। उसके लिए अगेन द पॉइंट इज कि आप अपने करियर में एग्जैक्टली चाहते क्या। अगर आपने साइंटिस्ट बनना है तो उसके अलग अप्रोच है, और DRDO ज्वाइन करने के अपने अलग प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोबेबली शायद अमित भी जानता होगा। अगर उस पर ऊंचे नीचे है तो जितना मुझे पता है मैं उसको बता दूंगा या आपको बता दूंगा, यू कैन ऑलवेज टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, एंड साथ ही साथ में हम लोग मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते में आने वाले, हम लोग मिलिट्री साइकोलॉजी पे ही एक इंसाइटफुल सेशन लेके आने वाले, इनसाइडर इंसाइट्स में ही। सो
वन ऑफ द पर्सन जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ में, तो दो लोग हैं, एक इंडियन आर्मी के साथ में काम कर रहे हैं और एक मैम है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एयरफोर्स के साथ में काम कर रही है, इंडियन एयरफोर्स के साथ में। तो दोनों के साथ में सेशन शेड्यूल कर रहे हैं, एक के अभी शादी हुई है और दूसरे के एक और अभी कुछ फैमिली इवेंट चल रहा है, तो इस वजह से शेड्यूल नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपके साथ में शेड्यूल करेंगे और सारी की सारी डिटेल हम उसमें कवर कर लेंगे। प्लस हर्ष के थ्रू अगर कोई बेसिक चीज में मदद हो पाती है तो हम लोग हर्ष के थ्रू एक और सेशन कर लेंगे डिटेल्स के लिए। डेफिनेटली बिल्कुल तो वो बिल्कुल, चीज आप एक बार फिगर आउट कर लीजिएगा. आपका मैं नाम भूल रहा हूँ या कोमल. कोमल। तो राइट, सो अगर आपने वो पर्टिकुलरली जॉब बेस्ड जाना है तो वो चीज के लिए फिर अमित जिनसे आपकी बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट है. बट अगर आपने इन पर्टिकुलरली रिसर्च में जाना है कि एग्जैक्टली होता क्या है और क्या क्या आप कर सकते हो, तो उस चीज के लिए आई थिंक आपको पहले अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दो तीन बुक्स दे दूंगा, आपको पढ़ लो एक बार. क्योंकि बीइंग एन अप्लाइड फील्ड वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ कहाँ पे इनपुट दे सकती हूँ. लाइक कोई भी बिल्कुल चीज अगर अप्लाइड होती है तो ये समझना जरूरी है कि वो एप्लीकेशन अभी करंटली डिमांड में है क्या. तो मिलिट्री की डिमांड क्या होती है, आर्म्स, एम्यूनेशन, पर्सनल सिलेक्शन, इसके अलावा स्ट्रेटेजी या ओवरऑल पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये सारी आर्मी की रिक्वायरमेंट्स होती है. तो बिल्कुल, आपका एरिया क्या है, आपको कौन सी चीज इंटरेस्ट करती है, सॉरी आई रिपीट इट, आपके लिए हाँ वो अप्लाइड फील्ड जाननी बहुत जरूरी है मिलिट्री साइकोलॉजी में, तभी मैं आपको बेहतर हेल्प कर पाऊंगा. क्योंकि मेरी बिल्कुल नॉलेज रिलेटिवली लिमिटेड है बिकॉज ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे नोन में लोग हैं जो डीआरडीओ में इंटर्नशिप करे हैं या जिन्होंने काम किया है थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, और उनसे मुझे जो पता चला है वो ये है कि आपको क्लैरिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर नहीं होगी तो आप इन द फर्स्ट प्लेस अप्लाई नहीं कर पाओगे. बाकी अगर आपने बिल्कुल इस चीज में पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में एज सच कोई डेडिकेटेड स्कूल है मिलिट्री साइकोलॉजी का. नहीं अमित नहीं कहाँ नहीं नहीं है, से कोई भी है? नहीं राइट है। राइट. देर आर स्कूल्स विच आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू मिलिट्री साइकोलॉजी. सम ऑफ देम आर इन यूरोप, सम ऑफ देम आर इन कैनेडा, एंड सम ऑफ देम आर इन यूएस. आई कैन ट्राई टू फाइंड देम, बट उसके लिए मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा. एंड इफ यू डैम इंटरेस्टेड इन मिलिट्री साइकोलॉजी आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, ओनली देन आई कैन हेल्प. एज आई सेड बिल्कुल बिफोर, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी बिल्कुल, चाहिए होगी आपके इंटरेस्ट की. वो मेरे ख्याल से एक बार कोमल आप हमें कम्युनिकेट करके बता दीजिए, और मेरे ख्याल से मैं जितना अंदाजा लगा पा रहा हूँ थोड़ा कोमल भी ओवरवेल्म हो गई है इस चीज से कि अभी वो फील्ड का जैसे बेसिक जानकारी लेना चाह रही थी, तो इस तरीके की मेहनत वो ना तो आपको देना चाहती है अभी और ना वो अभी वो मेहनत वाली चीज में अभी खुद एंगेज होना चाह रही है। लेकिन कुछ एग्जैक्टली टाइम में कोमल जैसी ही आपको वो क्लैरिटी आ जाती है आप तब हर्ष को भी रीच आउट कर सकते हैं, सो दैट अभी मान लीजिए आप कोई मेहनत हर्ष कर दें और उसकी अभी आपको इमीडिएटली जरूरत ना हो, तो आप वो क्लैरिटी प्लीज बना के रखिएगा ताकि हर्ष का जो टाइम है वो भी इफेक्टिवली यूज हो पाए और जो रिसोर्सेज वो कलेक्ट कर पाए वो आपके लिए भी इफेक्टिवली यूज हो पाए। राइट कोमल, यू सेड दैट आपको प्रो पोस्ट ग्रेजुएशन इस सब फील्ड में करना है तो इंडिया से तो पॉसिबल नहीं है. सो आप पहले ये हाँ क्लियर नहीं क्लैरिटी लें, वो इंडिया से बाहर आप जा भी सकती हैं या नहीं. यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, सोशल वेरिएबल्स हैं, फैमिली डायनेमिक्स हैं, बाहर एडमिशन के डायनेमिक्स हैं, सो गिवन द पैंडेमिक. प्लस अभी कुछ ये भी है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अगर आप मान लीजिए इंडियन आर्मी से कुछ रिलेटेड काम करना चाहती हैं साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े रहते हुए, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन पड़ जाता है जिससे हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल्स, हमारा इंडियन आर्मी हो गया या फिर एयरफोर्सेज हो गए, मतलब जितने भी हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं वो सारी की सारी आप क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी एक्सेस कर सकती हैं। उसका राइट रूट अभी मेरे को भी अंदाजा नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूं, लेकिन ये श्योर है कि आप एक्सेस कर सकती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम में जैसे ही हमें मिलती है सही इन्फॉर्मेशन तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल, सो हर्ष थैंक यू सो मच, एंड मैं इस वाले सेशन को कंक्लूड करता हूँ यहीं पे, एंड आपको थैंक यू करते हुए साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर दोबारा एक और सेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सेशन के प्लीज एनी टाइम, एक सेशन का आपको जितना भी हेल्प चाहिए हो यार. आई मीन लिए।
आई अंडरस्टैंड ये लोग बहुत परेशान होते होंगे अभी जो करंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं. एनी हाँ टाइम इफ आई कुड बी ऑफ हेल्प टू देम आईड बी मोर देन हैप्पी. बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्ष फॉर द सेशन, थैंक यू सो एनी मच. टाइम.